और विशेष रूप से महिला मोर्चा ने आज सुबह सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से बूथ स्तर की बहनों तक संपर्क को और सुदृढ़ और सशक्त करने का प्रयास किया है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं महिला मोर्चा की पूरी टीम को, आपके अध्यक्षा को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस कार्यक्रम में वैसे तो अपेक्षित थी बहनें, लेकिन मेरे कुछ भाई भी आए हैं, शिष्टबद्ध बद्दा भाइयों साइड में उभा छे। संस्कार नो परिचय आपने पहला छे, बेसवा माटे बहनों ने आपी दीधी छे, એટલે બહેનો બદલ ભાઈઓ ને મારા તરફે આભાર વ્યક્ત કરું છું। और इसी संस्कार का परिचय, सभ्यता के इसी प्रतीक का परिचय भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात प्रदेश की सरकार ने भी वर्षों से दिया है। वो लोग जो आजकल गुजरात में राजनीतिक दौरे पर हैं, एक भाई छे घना बद्दा आटा उमारे छे गुजरात में, मंदिरों मंदिरों बेचारा जाए छे, इनसे कहना चाहती हूं कि गुजरात का संस्कार देखिए कि भारत की राजनीति में शायद पहली बार गुजरात ने एक ऐसा राष्ट्र को नेता दिया जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद गरीब परिवारों में विशेष जाकर ये कहा कि अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य को और उज्जवल करना है तो पहले शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से समाज के हर नागरिक को ऐसे बच्चों का हाथ पकड़ के उन्हें स्कूल में ले जाना पड़ेगा, उन्हें दाखिला करवाना पड़ेगा, ताकि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से शिक्षा के माध्यम से हमारे बच्चे एक उज्जवल भविष्य की ना सिर्फ कामना करें बल्कि उज्जवल भविष्य का स्वयं निर्माण करें। वो लोग जो आजकल आकर पूछते हैं गुजरात में कि विकास कहाँ है, उनसे कहना चाहते हूँ कि विकास की अगर परिभाषा जाननी है तो पहले गुजरात की इन बहनों से पूछिए जिनका सर ऊंचा तब होता है जब गरीब की बेटी का हाथ थाम के, चाहे वो कोई सरकारी नेता हो, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजिम हो या समाज का कोई भी अग्रणी, वो स्वयं ले जाता है उसे स्कूल, कन्या प्रवेश उत्सव के माध्यम से गरीब परिवारों में बच्चों को विशेष सहायता दिलवाता है, उसे विकास कहते हैं। और आज मैं अभिनंदन देती हूं भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार को, जिन्होंने विशेष उन गांवों का ध्यान दिया जिसमें लिटरेसी रेट कम था। विद्यालक्ष्मी बॉन्ड नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात में शुरू हुआ और आज भाजपा का कार्यकर्ता डंके की चोट पर कह सकता है कि विद्या लक्ष्मी बॉन्ड के माध्यम से 18 लाख बेटियों को गुजरात में सहारा मिला, शिक्षा का आशीर्वाद मिला। और बिटिया मात्र स्कूल में प्रवेश करे, आठवीं धोरण तक पढ़े, मात्र ये ध्येय नहीं था भाजपा की सरकार का। हम जानते हैं कि बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और इसीलिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित कर दिखाया कि गरीब परिवार की बेटी है तो उसे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देनी होगी। और इसीलिए आज न सिर्फ विद्यालक्ष्मी बॉन्ड, न सिर्फ शाला प्रवेश उत्सव, बल्कि सरकारी स्कूल में कक्षा 9 से 12 में बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का पुण्य का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार ने किया। लेकिन बेटियां तो बेटियां हैं, उन्होंने कहा मात्र धोरण 12 सुधी जब मैं वाचसू। गरीब की बेटी कहती है मारे डॉक्टर थाउच है, और गरीब परिवारों में डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना अगर कोई देखता भी था तो बेटों के लिए देखता था। गरीब परिवार में यह चलन था कि भाई दीकरी नु तो लगन थी जैसे इन्हें डॉक्टर बनावे ना, मैं हूं करसू। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा
कि गरीब की बेटी को भी डॉक्टर का सपना अगर वो देखती है तो उस सपने को पूरा करने का अधिकार है। और इसलिए आज एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी पार्टी की सरकार का अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने गरीब परिवारों की बेटियों को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करवाने के लिए उन्हें 100% ट्यूशन फीस की मेडिकल एजुकेशन में छूट दी है। अरे हूँ दर्शना बेन सते यहाँ आती थी तो बेने मने कीधु के सूरत आ गया छो एटले सूरत नु जमण ये तो बहु विख्यात छे। अने मैं एक बेन ना घरे गया, आ बेन ना हस्बैंड एक्सपायर थई गया छे, તેમ છતાંય હસતા હસતા બેન કે હું ખાકરા બનાવું, નાસ્તો બનાવું ને કામ કરું છું। ઓર ગુજરાત કી બહેનો મેં યહી લગ્ન હૈ, યહી કલા હૈ, પરિશ્રમ કરને કી યહી સાધના હૈ। અમે આરામથી હાથ વાબર હાથ વાડીને બેસી નથી શકતા। और जो बेटियां उच्च शिक्षा पूर्ण करती हैं वो आईटीआई में प्रवेश करना चाहती हैं, बेटों को थोड़ी बहुत टक्कर दे